तमाम दर्शकों को अरविंद शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। चुनावी दंगल, आजकल हरियाणा में विधानसभा का चुनावी दंगल शुरू हो चुका है। हर पार्टी अपने जोर अजमाइश में लगी हुई है, अपने उम्मीदवारों को मार्केट में ला रही है वोट के लिए, और हर पार्टी अपना दमखम दिखा रही है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं नवनिर्माण पार्टी के अध्यक्ष श्री MP कौशिक जी से। उनसे जानेंगे पार्टी की रणनीति और क्या कुछ मेमोरेंडम वो मार्केट में लेकर आ रहे हैं इस विधानसभा में। आइए हम सीधी मुलाकात कराते हैं। नमस्कार MP कौशिक जी। नमस्कार। नमस्कार कौशिक जी, आपकी पार्टी का नाम नव निर्माण पार्टी, इसका बारे में आप बताइए कि आपने जो ये नव निर्माण रखा तो क्या उद्देश्य से रखा था, और आपकी पार्टी का क्या कुछ उद्देश्य है समाज के लिए। ऐसा नव निर्माण पार्टी, जैसे इसके नाम से ही विदित होता है, बिल्कुल नया निर्माण। आप किसी भी पार्टी को देख लीजिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे BJP हो, वहाँ अपने ही कार्यकर्ताओं और नेताओं को मारने का काम किया जाता है। BJP को खड़ा करने वाले जितने भी साथी थे, जितने कार्यकर्ता थे, उन लोगों को मारते हुए BJP ने उन लोगों को टिकट दी जिनके खिलाफ वो सड़कों पर थे, यानी कांग्रेस के भ्रष्टाचारी लोगों को शामिल करके उनको टिकट देने का काम BJP ने किया। यही काम पहले से कांग्रेस करती आई है, यही काम अन्य पार्टियां करती हैं। यानी जो मेहनत करने वाला कार्यकर्ता है उसको पार्टियां आगे मौका नहीं देती हैं। इसी वजह से हमें लगा कि किसी भी पार्टी को आप देख लीजिए, उसमें कार्यकर्ताओं को अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती। जब चुनाव आते हैं उससे पहले हर पार्टी ये बोलती है कि मेहनत करने वाले को टिकट दी जाएगी, लेकिन जब चुनाव आते हैं उसके बाद ये दूसरी पार्टियों के नेताओं को MP MLA मंत्रियों या बड़े बड़े धनाढ्य लोगों को शामिल करके उनको टिकट देते, अपने कार्यकर्ताओं को मारने का काम करते हैं। नव निर्माण पार्टी का मेन उद्देश्य, मेन फोकस यही है कि जो मेहनत करने वाला कार्यकर्ता है उसको टिकट देने का काम किया जाएगा, उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। उसके पास कार नहीं है तब भी चलेगा, उसके पास बाइक नहीं है तब भी चलेगा, उसके पास साइकिल नहीं है तब भी चलेगा, अगर वो पैदल चल चल के, पैदल घूम के पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहा है, देश हित में अपनी सेवाएं दे रहा है, तो निश्चित रूप से उसको मौका दिया जाएगा। क्योंकि आम व्यक्ति लाइन में लग करके वोट डालने का काम करता है, सरकार को बदलने का काम करता है, सरकार को लाने का काम करता है। तो कौशिक जी, अगर हम बात करें जो आज का विधानसभा का युग चल रहा है, आज का विधानसभा का जो ये दौर चल रहा है, इसमें बड़ी बड़ी पार्टी जैसे BJP है, कांग्रेस है, और BJP की तो एक लहर सी चल रही है मार्केट में, तो इतना जो एक आंधी चल रही है BJP की, और उस आंधी में आपने ये बहुत कदम उठाया है, मजबूत कदम उठा रहे हैं आपको, तो क्या कुछ सोच के चल रहे हैं आप, और क्या कुछ आप उम्मीद कर रहे हैं जनता से। ऐसा है, सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ने में अपना योगदान दिया, 1885 में बनी थी। और आप इतिहास उठा करके देख लो, या आदमी का भी आप अवलोकन करें तो बच्चा जब पैदा होता है वो बुढ़ापे की ओर निकलता है। कांग्रेस पार्टी बूढ़ी पार्टी हो चुकी है, और BJP आज पूरे यौवन पर है, ये एक कबाड़ पार्टी हो चुकी है BJP। कारण उसका ये है कि जितने भी कबाड़ नेता है, जो डिफॉल्टर नेता है, जो भ्रष्ट नेता है, जिन पे दुनिया भर के दाग हैं, वो सब BJP में आ गए, उनका स्वागत किया गया, उनको टिकट दी गई, उनको मंत्री MP MLA बनाने का काम BJP ने किया। नव निर्माण पार्टी अभी गठित हुई, भारत निर्वाचन आयोग से पंजीकृत हुई, ये अभी पैदा हुई, इसका बचपन सामने है, इसका जवानी सामने है। यानी सबसे बेस्ट विकल्प के रूप में नव निर्माण पार्टी लोगों के बीच में है, जो सड़कें, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और रोजगार, इन पर फोकस करेगी। इसके साथ साथ किसी भी पार्टी का मुद्दा ये नहीं है कि जो मल्टी पेंशन MP MLA ले रहे हैं, एक बार विधायक हुआ एक पेंशन, एक बार MP बना एक पेंशन, वो चार बार MLA हुआ, चार बार MP हुआ तो चार पेंशन, ये लूट नहीं है क्या? एक व्यक्ति
पांच बार या सात बार एमएलए हुआ, वो 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख पेंशन महीने की ले रहा है। ये लूट बंद करने की यानी लूट बंद करने का मुद्दा कोई भी पार्टी का नहीं है, क्योंकि वो खुद लूटने लग रहे। लेकिन नव निर्माण पार्टी का यह मेन मुद्दा भी है कि हम 1 घंटे के भीतर भीतर इनकी मल्टी पेंशन बंद करने का काम करेंगे, और जो पैसा बचेगा उससे युवाओं को रोजगार देने का हम काम करेंगे। तो कौशिक जी, इतने मुद्दे लेकर आप चल रहे हैं, लोग बीजेपी के शासनकाल में लोग कहते हैं कि विकास हुआ, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे सीएम साहब श्री मनोहर लाल खट्टर जी, इन्होंने भी कहा, अभी हाल ही में रोहतक में रैली हुई थी, उसमें भी कहा गया कि किसानों के लिए हित में काम हो रहा है, घर घर उज्ज्वल योजना पहुंच गई है, आयुष्मान कार्ड बने हैं, आवास योजना के तहत गरीब लोगों को मकान मिल रहे हैं। तो इतना विकास अगर बीजेपी कर रही है तो स्थानीय विकास और आम आदमी को क्या चाहिए, तो आपकी पार्टी की तरफ लोग क्यों रुख करें? देखो, ऐसा जो बीजेपी ने ये दुनिया भर के जो घोसले लोगों के सामने है, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री ने किया, हकीकत में ग्राउंड लेवल पर कुछ भी नहीं है। आप कुरुक्षेत्र को ही देख लीजिए, कुरुक्षेत्र में यहाँ के विधायक का दावा है कि 1100 करोड़ रुपए यहाँ कुरुक्षेत्र में आए, लेकिन कुरुक्षेत्र की किसी भी गली में सड़क में आप चले जाइए, बद से बदतर, यानी सड़क में गड्ढे नहीं है बल्कि गड्ढों में सड़क है। कितने लोग यहाँ मर चुके जो मेन सड़क पिपली से और दूसरे स्टेट को जोड़ती है, राजस्थान को जाती है, कैथल से होते हुए उस मेन हाईवे का इतना बुरा हाल है कि उसमें कई आदमी मर चुके हैं। कोई जिम्मेदार नहीं, एमपी जिम्मेदार नहीं, एमएलए जिम्मेदार नहीं, डिप्टी कमिश्नर जिम्मेदार नहीं, चीफ इंजीनियर जिम्मेदार नहीं, मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं, यानी कोई व्यक्ति कोई मरे, किसी की स्पाइनल कोर्ड टूटे, कोई चोटिल हो या बर्बाद हो जाए, कोई जिम्मेदार नहीं है। ये खाली लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। रही बात किसानों की, किसानों के जबरदस्ती इंश्योरेंस के नाम पर पैसे काटकर यानी उनकी जेब लूटने का काम इस सरकार ने किया, रोजगार का डंका पीटते हैं ये। आप ये देखिए कि 15,000 वैकेंसी के पीछे 40 लाख युवा फार्म भर रहे हैं, नौकरी कितनों को दी? खट्टर साहब ये बताएं कि पिछले 5 साल में कितनी नौकरियां दी गई, और जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल के बाद शासन के बाद अपनी सरकार छोड़ के गए, मुख्यमंत्री को सरकार दी, उस टाइम कितनी वैकेंसीज खाली थी, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कितने युवाओं को रोजगार देने का काम किया, और कितनी वैकेंसी आज खाली पड़ी है। ये केवल बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, युवाओं के उल्टे रोजगार छीनने का काम इन्होंने किया। यामा कंपनी जो फरीदाबाद में है वो बंद होके चली गई, उसमें हजारों आदमी काम करते थे, वो बेरोजगार हो गए हैं। इसके अलावा जितनी भी फैक्ट्रियां वो आज बर्बादी कगार पर है, यानी सरकार कोई भी हो वो सबको रोजगार नहीं दे सकती, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से रोजगार जनरेट करवा सकती है, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करके, व्यापारियों को प्रमोट करके, छोटी इंडस्ट्री को प्रमोट करके। लेकिन इन्होंने तो लोगों को बर्बाद करने का काम किया, केवल देशभक्ति के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल कह लीजिए, या लोगों को भावनात्मक तौर पर ऐसे पागल बनाने का काम इन्होंने किया है कि जहां भी मामला आता है देशभक्ति, खाली देशभक्ति से पेट नहीं भरता, हर व्यक्ति को काम चाहिए, लेकिन काम इनके पास है नहीं है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य की आप अगर हालत देखें, आप इसी हॉस्पिटल में आप जाकर के देख लीजिए, हरियाणा के किसी भी हॉस्पिटल में आप जाकर के देखेंगे, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, जो पहले से डॉक्टर है वो अपनी सर्विस छोड़कर प्राइवेट सेक्टर की ओर रुख कर रहे हैं, यानी अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं। ये हालत आज स्वास्थ्य विभाग की है। तो कौशिक जी, अगर हम बात करें कि अगर थानेसर की जनता, आप यहाँ से इलेक्शन के लिए भी तैयारी कर रहे हैं थानेसर से, तो अगर थानेसर की जनता आपको ये अवसर प्रदान करती है, आपको अपना विधायक बनाती है, तो आप थानेसर की जनता के लिए
क्या कुछ उद्देश्य से आएंगे और क्या कुछ विकास कार्य आपकी सोच में चल रहे हैं? क्योंकि आप अभी हाल ही में अभी आपने बताया कि सड़कें टूटी पड़ी हैं, लोगों तक जो योजनाएं चल रही हैं वो सिर्फ हवा में है, तो आप क्या कुछ लेकर आ रहे हैं नवनिर्माण पार्टी के माध्यम से, आप क्या कुछ लेकर आएंगे ताकि लोगों का आपके ऊपर जो विश्वास से वो आपको वोट देंगे तो उनका क्या कुछ विश्वास आपको तो है? देखो, कुरुक्षेत्र का विकास आज तक जितने विधायक यहाँ से चुन करके लोगों ने विधानसभा में भेजने का काम किया, उन्होंने वहाँ इस इलाके की वकालत नहीं की, वो केवल और केवल या तो एक परिवार की वकालत करते रहे या वो चापलूसी करते रहे सरकार की। हमारा जो मकसद है, हमारा जो टारगेट है या राजनीति में आने का उद्देश्य ही केवल मात्र ये है कि कुरुक्षेत्र की जनता को वो लाभ मिले, यानी यहाँ रोजगार जनरेट करने के लिए या इंडस्ट्री की आवश्यकता है। कुरुक्षेत्र के एरिया में आप लगा लो या कैथल के एरिया में लगा लो या यमुना नगर के एरिया में लगा लो या जीटी रोड बैंक पर, इस एरिया की हम बात करें, यहाँ कोई रोजगार के साधन युवाओं के लिए नहीं है या कोई इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ एजुकेशन हब बनाने का बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। एजुकेशन सिटी बनाने के लिए इस पर बहुत काम हो सकता है। सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, बावजूद इसके ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी आज तक क्यों नहीं हुई, हमने बहुत बार डिमांड की कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया जाए, लेकिन यहाँ एजुकेशन भी नहीं है। यहाँ का यूथ अन्य स्टेट में जाता है, यहाँ का पैसा दूसरे स्टेट में जाता है, इससे वो क्या रहा है, यहाँ के लोग बर्बाद हो रहे हैं। ना इंडस्ट्री है, ना यहाँ शिक्षण संस्थान उस लेवल की है कि बाहर के स्टूडेंट यहाँ पर आकर पढ़ाई करें। यानी मेन फोकस हमारा ये है कि इस शहर में जो सड़कें जिस हालत में है, हमारे पार्टी का उद्देश्य भी है और हमने अपने उद्देश्यों में प्रमुख मुद्दों में ये डाला हुआ है, 72 घंटे के अंदर अगर किसी सड़क में गड्ढा है और उस इलाके का अधिकारी उस गड्ढे को भर नहीं रहा है तो सस्पेंड नहीं होगा, क्योंकि सस्पेंशन कोई सजा नहीं है। वो 3 महीने सस्पेंड होगा, 6 महीने सस्पेंड रहेगा, आधी तनख्वाह उसको मिलेगी घर बैठे, उसके बाद आधी तनख्वाह पूरी मिल जाएगी, पूरी की पूरी उसको मिल जाएगी, यानी कोई पनिशमेंट नहीं है। वो अपने घर जाएगा, वो रेडी लगाए, वो भीख मांगे, वो कहीं उसका खेत में काम है खेत में काम करे या वो मजदूरी करे, जो मर्जी करे, लेकिन वो उस सीट पर नहीं रहेगा जिसकी उसकी जिम्मेदारी है। वहाँ काबिल व्यक्ति बैठेगा और काबिल व्यक्ति बैठकर किसी भी सड़क में गड्ढा हम होने नहीं देंगे, क्योंकि लाइफ लाइन होती है कोई भी सड़क या गली, हर व्यक्ति की लाइफ लाइन है। आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो सड़क से, आप सर्विस करने के लिए कहीं ऑफिस में जा रहे हैं तो सड़क से, आप खेत में जा रहे हैं तो सड़क से, आप रिश्तेदारी में जा रहे हैं तो सड़क से, आप कॉलेज में जा रहे हैं तो सड़क से। अगर वो लाइफ लाइन इस तरीके की होगी तो आप विकास के पैमाने आप खुद तय कर लीजिए। यानी यहाँ इस शहर में गलियों में जितना भ्रष्टाचार हुआ, गलियों में जितना भ्रष्टाचार और सड़कों में जितना भ्रष्टाचार हुआ, मेरे हिसाब से पूरे हरियाणा में नहीं हुआ होगा। किसी भी गली की जांच आप करके देख लीजिए, लाखों का टेंडर है लेकिन खाली रेत बिछाया, ऊपर से वो कौन सी वो टायरें बिछा दी। आप एक बात और देखिए कि जिस लेवल का भ्रष्टाचार इस केवल मात्र कुरुक्षेत्र धर्मनगरी में हुआ, पूरे हरियाणा का आकलन आप पत्रकार खुद अंदाजा लगा सकते हैं। 50 लाख की जमीन पर एकड़ के हिसाब से किसानों से ली जाती है, जिस जमीन की कीमत आज मार्केट रेट 150 करोड़ से भी ज्यादा है, वो जमीन 45 लाख में लुटाने का काम इस सरकार ने किया। अगर हुड्डा ने सरकारी खजाने को चूना लगाया है तो चूना मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी लगाया है। गीता संस्थान अगर ब्रह्म सरोवर पर खोलने का काम किया गया, वो जमीन लुटाने का काम अगर किया है तो वो जमीन, उस जमीन पर सरकारी गीता संस्थान क्यों खोलने का काम सरकार ने नहीं किया? अगर वो गीता संस्थान सरकारी तौर पर खोलने का काम होता तो हम उसका स्वागत करते, लेकिन ये जमीन कोड़ियों के भाव में अपने आदमियों को धर्म के नाम पर लुटाने का काम इस सरकार ने किया है।
हमने ये घोषणा की है एक घंटे के भीतर भीतर जो सरकारी संपत्ति लुटाने का काम इस सरकार ने किया वो सार्वजनिक संपत्ति सरकारी संपत्ति होगी। तो हमने अभी देखा कि कौशिक जी एक ऐसे गर्म मुद्दों को लेकर आ रहे हैं जिनके बारे में अभी तक किसी ने भी बातचीत नहीं करी, जो दबे हुए मुद्दे थे थाने सर के कि कितनी जमीन जो हमारी है, कितना सरकार का पैसा है वो कहाँ दबा हुआ है, कितना विकास नहीं हो पाया है। तो हम देखना ये है कि थानेसर की जनता अब अपने विधायक के रूप में किसको ये सेवा प्रदान करते हैं, थानेसर की जनता किसको ये सेवा का मौका देती है। और जैसा कि कौशिक जी ने बताया कि अगर इनको थानेसर की जनता सेवा का मौका देगी तो ये इन अहम मुद्दों पे खरे उतरेंगे और इन मुद्दों को बहुत ही जल्द शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में ही खत्म करेंगे। धन्यवाद दर्शकों, धन्यवाद कौशिक जी, धन्यवाद, थैंक यू। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।